प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आज के संदेश की ओर हम चलेंगे। आज की संदेश मौसम के अनुसार आप यीशु मसीह के जन्म के बारे का संदेश सुनने की उम्मीद करते होंगे। उम्मीद करते कि नहीं करते हैं? उम्मीद करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। इसलिए मैं आज इवेंट्स को देखते हुए, मौसम को देखते हुए एक संदेश मैं देना चाहूंगा। वो यीशु मसीह की सिर्फ जन्म की संदेश नहीं है, पर यीशु मसीह का ही संदेश होगा। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह के। योगन्ना ने जिस समाचार एक अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। योगन्ना ने जिस समाचार एक अध्याय का 11 और 12 पद। अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज की संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह पर विश्वास करो और यीशु मसीह को ग्रहण करो। सब लोग बोलो, यीशु मसीह पर विश्वास करो और यीशु मसीह को ग्रहण करो। सुनेंगे, यहां पर कहता है योगन्ना रजिसु समाचार एक अध्याय का 11 और 12 पद में, वह अपने घर में आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। किसके बारे में कहता है? यीशु मसीह के बारे में कहता है। किसके बारे में कहते हैं? वो पराए के घर में नहीं, वो अपने घर में आया पर अपनों ने उससे ना पहचाना, ना उस पर विश्वास किया, ना उसने ग्रहण किया। ये तो गलत बात है ना भैया, गलत बात है ना। आपने मुझे बुलाए और मैंने आपको वायदा किया आने की, और जब मैं आपके घर में आया तब आपने अपने घर मेरे लिए नहीं खोला, और आपने ना मुझसे बातचीत की, ना आपने मुझे वजूद मान दिया, ना मुझे आज ने आपने मुझे वजूद सम्मान दिया और मुझे ग्रहण नहीं किया। ये तो तकलीफ की बात है ना, तकलीफ की बात है ना। ये किसके लिए कहता है? सुनेंगे, ये किसके लिए कहता है, ध्यान से सुनेंगे। बाइबल में मनुष्य की सृष्टि किसी और ने नहीं किया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने किया। उसको हम क्या कहते हैं? परम ईश्वर, परम ईश्वर। उसने हमारी आदि पिता आदि माता आदम हवा को सृष्टि की, एदन की बाग में रखा, भोजन की कमी नहीं था और वस्त्र की जरूरत भी नहीं था। परमेश्वर की महिमा से उसका शरीर ढका हुआ था, उसको कोई चिंता नहीं था, वो कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि उसकी पिता मेरे पिता जिसने उसकी सृष्टि की प्रतिदिन ठंडे के समय में उससे मिलने और उससे बातचीत करने और उससे संगति करने के लिए एदन की बाड़िगा में आया करता था। उससे आदम हवा उत्साहित और आशीषित होते गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ना कोई बीमारी थे, ना कोई चिंता थे, ना तो कभी कोई ऐसे बातों की परेशानी थी। सब कुछ ठीक ठाक था। सब लोग बोलो, सब कुछ ठीक ठाक था। आपसे स्वयं पूछो, क्या आपके जीवन में, आपके घर में आज सब कुछ ठीक ठाक है? आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं। यही सच्चाई है ना, यही सच्चाई है ना भैया, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। और ये कैसे आया? सब कुछ ठीक ठाक था। और एक दिन परमेश्वर का शत्रु, मनुष्य का शत्रु नहीं था, परमेश्वर का शत्रु,
उसका नाम शैतान है, सर्प के रूप लेकर मनुष्य को बहकाने के लिए आए, और कमजोर हव्वा मिली, और हव्वा को जानकारी नहीं थी, ऐसे कोई बात नहीं था, पर हव्वा आदम से कमजोर समझ में आई और हव्वा को बहका दिया, मना किया, वह वृक्ष का फल खाया और हव्वा ने आदम को भी फल खिला दिया। ठीक, वहीं से परेशानी शुरू हुआ। जब परेशानी शुरू हुआ तब क्रिसमस की सूचना, क्रिसमस की वायदा, यीशु की जन्म की इशारा, पाप किए हुए मनुष्य के सामने, आदम के सामने, हव्वा के सामने, और पाप करवाए शैतान के सामने परमेश्वर ने घोषणा किया, उत्पत्ति 3:15 में यीशु मसीह का जन्म होने की पहले भविष्यवाणी, पहले इशारा परमेश्वर ने किया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। मैं कहूं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा होता तो यीशु मसीह की जन्म होने की कोई जरूरत नहीं था। बोले प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जन्म होने की जरूरत इसलिए पड़ा, सब कुछ ठीक ठाक था पर सब कुछ गड़बड़ हो गई, सब कुछ है गड़बड़ हो गई, इसलिए फिर से सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए यह जरूरत पड़ गया कि परमेश्वर की तरफ से एक पहल करूं, कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुनो, परमेश्वर ने अपने लिए एक प्रजा को बनाया, शुरुआत से अपने लिए एक प्रजा को बनाया, और उस प्रजा का नाम है यहूदी लोग, यहूदी लोग। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उन्हीं के लिए ही भेजा गया था, क्योंकि यीशु मसीह ने कई बार कहा गया, मुझे इसराइलियों की खोए हुए भेड़ों को छोड़कर किसी और के लिए नहीं भेजा गया, और यीशु मसीह ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित नहीं है, और यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है, मेरे बच्चे इसराइली हैं और मेरा परमेश्वर का आशीष उनको देने के लिए मुझे भेजा गया है। ये बाइबल के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार ये सच है, ये सच है, ये सच है। परमेश्वर ने अपने प्रजा को, जिसको स्वर्ग राज देने के लिए, जिसको स्वर्ग की खुशी देने के लिए और सारे आशीष देने के लिए बनाया, और उस आशीष को उस तक पहुंचने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। सुनो, यीशु मसीह की ज्योति तब चमका जब अंधकार चल रहे थे, यहूदी लोग अंधकार में चल रहे थे, उसने ज्योति की प्रार्थना की और भविष्यताओं ने कहा एक मसीहा आएगा, जब ये मसीहा आएगा तब हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चलेगा। उसकी प्रार्थना यहूदी लोग निरंतर करते थे, निरंतर करते थे, पर मसीहा आया, यहूदियों में से आया, दाऊद की घराने में से आया, अब्राहम को दिए हुए प्रतिज्ञा के अनुसार आया, पर उन यहूदी लोग जिसके लिए आए उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना,
कारण यही था कि उन्होंने अपने विश्वास के अंदर अपने बुद्धि को भी लगा दिया। उन्होंने कहा मसीहा का तो हम इंतजार करते हैं पर वो आएगा, पर हम जिस मसीहा का इंतजार करते हैं उसका जन्म राजमहल में होगा, उसका जन्म उस बतलेहम की गौशाला में नहीं हो सकता। और हम जिस मसीहा का इंतजार करते हैं वो राजकुमार होगा, वो बड़े ही का पुत्र नहीं हो सकता। और बड़े ही यूसुफ का पुत्र और कुमारी मरियम का पुत्र यीशु मसीहा को उस मसीहा के रूप में जिसकी हम इंतजार करते हैं हम उसको विश्वास नहीं करते हैं। समझ में आए? समझ में आए? इसलिए हम लिखा है 11 पद में वह अपने घर में आया पर अपनों ने उससे ना पहचाना ना अपनों ने उसे ग्रहण किया। बोले प्रभु यीशु मसीह के एक एक संदेश में इससे आपको देना चाहूंगा, परमेश्वर की बातों को आपकी बुद्धि की बातें उसमें ना मिलाते हुए आंख मोड़ करके विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं करते हैं उसमें आप अपने बुद्धि को मिलाएंगे, उसमें अपने ज्ञान को मिलाएंगे, उसमें अपने जानकारी को मिलाएगा तो परमेश्वर जो आपको देना चाहते हैं वो आप तक नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर की आशीष से आप वंचित रहेंगे। जिसको समझ में आए ताली बजा के प्रभु महिमा करो। और नंबर 2, परमेश्वर की बातों में अपने मन की बातें लगाएगा उससे कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। बाइबल में एक उदाहरण है, यीशु मसीह का जन्म जब हुआ पूरब में एक तारा चमका, पर वो तारा आकाश में पूरब में चमका परमेश्वर ने किसके लिए? मार्ग दिखाने के लिए। कौन सी मार्ग? जहां उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जहां मसीहा का जन्म हुआ है, उस स्थान तक पहुंचने के लिए जो भविष्यवक्ता ने कहा गया उसको सच होकर देखने के लिए उस यीशु मसीह पर विश्वास करने की मार्ग है वो तारा। उसको देखकर चलो और वहीं जाकर के देख लो और विश्वास कर लो कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। चाहे किसी के द्वारा कहा गया हो कि मसीह को भेजेगा, उन्होंने अपने वायदा को पूरा किया है, वो देख लें। पर ज्योतिषी लोग तारा को देख करके जा रहे थे। सुनो, तारा हेरोदेस राजा के राजमहल में नहीं गया, पर ज्योतिषियों ने प्रभु की वचन में अपने बुद्धि को लगाया। प्रभु की वचन में जब अपने बुद्धि को लगाया तारा मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे चल रहे थे, तारा रुक गया और उस तारा से हटकर ज्योतिषी लोग राजा हेरोदेस के पास पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्धि लगाया राजा का जन्म राजमहल में होगा, पर वो ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि राजा का जन्म जिस दिशा में ये तारा दिखा रहा है उसी दिशा में जाएगा। ये तारा पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है, आपकी और पूरी दुनिया का उद्धार इस तारा की ओर है, इस तारा की प्रकाश से है जो हर मनुष्य को प्रकाशित करने के लिए, जो प्रकाश यीशु मसीह की आया, जो परमेश्वर का प्रकाश है, इसी के द्वारा ही आप लक्ष्य स्थान पर पहुंचेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की, पर रास्ता भटक गए, पहुंच गए, यीशु को नहीं देखा, हेरोदेस राजा से मिला और वही जाकर के परमेश्वर का संदेश जो गुप्त में महर्षियों को बताए थे, ज्योतिषियों को बताए थे, उन्होंने उसको बताया। उसकी नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर की बातों में अपने बुद्धि मिलाने की परिणाम, परमेश्वर की रहस्य बातों को विश्वास करके जाके ना देखने के बदले हेरोदेस राजा को बताने का परिणाम उस राज्य में जित
जितने बालक जन्मे थे लड़के और सबको मर दिया गया, एक पीढ़ी में सबसे बड़ी हत्या का कारण बन गया है। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया? मेरे विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर की बातों में अगर परमेश्वर कुछ कहा है और जो कहा इसी में है, इसी के अनुसार है, वो आज हो या कल हो, वो पूरा होना ही होना है। वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी वो सच साबित होगा। यहूदियों ने उसको विश्वास नहीं किया। यीशु या नबी ने यीशु के जन्म के बारे में कहा, परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया है, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जन्मेगा, यीशु या नबी की 7:14 में, तो उसका नाम इम्मैनुएल रखना, उसका नाम इम्मैनुएल रखना। मत्ती रजिस्टर समाचार में जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम और यूसुफ के पास आए और यूसुफ से कहा, मरियम एक पुत्र जन्मेगी, तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। बोल प्रभु यीशु मसीह के। इसका अर्थ क्या है? बाइबल में लिखा है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन, पृथ्वी उसकी चरणों की चौकी। सुनो, जिस परमेश्वर स्वर्ग में था, वही परमेश्वर एक मानव की रूप धारण करके, यीशु के नाम लेकर के, परमेश्वर की पुत्र के रूप में आपकी और मेरे बीच में आया, यहूदियों के बीच में आया, पर यहूदियों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने घर में आया, पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ध्यान से, शीर्षक से ना भड़के, यीशु मसीह पर विश्वास करना और यीशु मसीह को ग्रहण करना। अपने घर में आया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और यह हम्बर कहते हैं वो इम्मानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है। कल तक जब स्वर्ग में रहा, तब तो ये परेशान थे, राज हमारी परेशानियों में साथ रहकर हमारे छुटकारे देने के लिए, जब हमारी घर में वो आया, जब हमारी साथ में आया, तब उसको स्वीकार करने के लिए परेशानी से ग्रस्त लोग तैयार नहीं हुआ है। समझ में आ रहा? जब वो दूर था, तब पुकारा, आ जाओ मसीहा, आ जाओ मसीहा, हमें न्याय दिला, हमें छुटकारा दे, हम अन्याय सहते सहते बर्दाश्त हो चुके। दुआ सुन ली गई और वो मसीहा स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर, जो सबका मालिक है, दुनिया का सृष्टि करता है, सबको चलाने वाला है, और अपने स्वर्ग की महिमा को छोड़कर एक साधारण मनुष्य की रूप धारण करके जब हमारी बीच में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब मैं इस बात को सोच रहा था ना, आज ये प्रकाश मुझे जब मिला, मेरे आंखों से आंसू भर गया। कितने सालों से प्रार्थना की, आवा आजो, आ जाओ आ जाओ, जब आ गया तब उससे अनदेखी किया। उसका नतीजा बहुत बड़ी परिणाम भोगना पड़ा। और वो आया, सिर्फ वो जन्मा नहीं है, उसका जन्म वो हमारे बीच में रहने के लिए आया, हमारे साथ में रहने के लिए आया। यीशु कहां रहने के लिए आया? यीशु कहां रहने के लिए आया? स्वर्ग में रहना था तो उस पृथ्वी में आने की जरूरत ही नहीं था। वो आपके साथ में रहने आए, वो आपके बीच में रहने आए। कहता है अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, अपने ने उस पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह 33 साल इस धरती पर रहा। उसने 30 साल माता पिता की अधीन में रहा, एक उदाहरण बन के। जवानों,
आपकी माता पिता यदि कमजोर हो या सक्षम हो, आप बच्चे हैं, उसके अधीन में रहना चाहिए। यीशु मसीह ने ये कर्क दिखाया, 30 वर्ष तक माता पिता की अधीन में रहा, अधीन में रहा, और 3.5 वर्ष उन्होंने सेवगाई करी। उस सेवगाई के दौरान अंधे आए उसको आंग दिए, लंगड़े आए उसको चलाए, मुर्दे को लेके आए यीशु ने उसको जिंदा किए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई भी आश्चर्य व्यक्ति उसके पास आया और ऐसे वापस गया, ऐसे कहानी, ऐसे घटना मेरा बाइबल नहीं बताता है। जो जो जरूरतमंद वाले आए, जो जो जरूरतमंद वाले आए और सब अपने जरूरतें पूरा होकर यीशु के पास से गए हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। इसलिए मैं आज कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है आपके पास भी कोई जरूरत होगा, आपके पास भी कोई परेशानी होंगे, आपके पास भी कोई मुसीबत होंगे, आपको भी शायद डॉक्टर ने छोड़ दिया होगा, आपका भी शायद दवा काम करना बंद गया होगा, हो सकता है आप आर्थिक तंगी में होंगे, हो सकता है आपको मदद करने के लिए जिन्होंने वायदा किया वो आपको मुख फेर करके चल रहे होंगे, हो सकता है आप अपने बच्चों पर उम्मीद किया आज आपके बच्चे आपके ऊपर अनदेखी कर रहे होंगे, आप निराश होंगे, आप आत्महत्या के लिए सोच रहे होंगे, आप कहते होंगे कि अब आगे कैसे होगा, आगे यीशु आपको चलाएगा, यदि विश्वास है तो आप ताली बजा के प्रभु की महिमा करें, क्योंकि यीशु के पास आए हुए कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, सबकी भला किया। बोलो यीशु सबका भला किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु की मृत्यु यहूदियों की दबाव से नहीं हुआ, यीशु की मृत्यु मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित था। यीशु न मरा होता मैं यहां प्रचार न करते। अब सिर्फ यीशु की कहानी मृत्यु में ही अगर खत्म हो जाता तो मेरा प्रचार भी व्यर्थ और आपका विश्वास करना भी व्यर्थ है। यीशु मरा ये सच है, और यीशु को दफनाया गया ये भी सच है, और यीशु तीसरे दिन जी उठा ये इससे अधिक सच है। यीशु का जन्म मेरे लिए आपके लिए हुआ, और उसका जीना मेरे लिए आपके लिए हुआ, उसका मरना मेरे लिए आपके लिए हुआ, उसका दफनाया जाना मेरे लिए आपके लिए हुआ, उसका जी उठना भी मेरे लिए आपके लिए हुआ। अब वो अधिक जल्दी आने वाला है, वो भी मेरे लिए आपके लिए होगा। सुनेंगे, उसकी जन्म सबके लिए था, उसका जीना सबके लिए था, उसका मौत सबके लिए था, उसका जी उठना सबके लिए था, पर उसका दोबारा आगमन सबके लिए नहीं है, केवल उस पर विश्वास करने वालों को स्वर्ग ले जाने के लिए वो आ रहा है। यही क्रिसमस का संदेश है। किसके लिए आ रहा है? पर जो व्यक्ति उसकी जन्म पर विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति उसकी जीवन पर विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति उसके कार्य पर विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति उसकी मौत पर विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति उसका जी उठने पर विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति उसको स्वर्ग जाने पर विश्वास नहीं करता, और वो व्यक्ति उसके दोबारे आगमन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं केवल विश्वास रखो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यही क्रिसमस का संदेश है, यही क्रिसमस का संदेश है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के, खड़े हो जाएं। अपने हाथों को बंद करें। वो सबके लिए आया है, वो सबके लिए जिया है, वो सबके लिए मरा है, वो सबके लिए जी उठा है, और सबके लिए स्वर्ग को चले गया है। अब सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए, और जितनों ने उसे ग्रहण किया
केवल उनको स्वर्ग ले जाने के लिए आ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि आप यीशु पर विश्वास करें, इसलिए ये जरूरी है कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता और मुक्ति दाता के रूप में ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। अब वो तेरे साथ में रहने नहीं आया, अब वो तेरे भीतर रहने के लिए आया है। पवित्र आत्मा के माध्यम से वो आपका भीतर रहना चाहते हैं, आपकी मन मंदिर में रहना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन्होंने आज ये निर्णय लिया है कि अपने जीवन को सुधारने की, अपने जीवन में आप पर विश्वास करने का और आपको अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करने की, आप उन सभी के हृदय में समा जाइए। यीशु सबके हृदय में समा जाइए, यीशु सबके हृदय में समा जाइए। पवित्र आत्मा के रूप में आप इनके हृदय में समा जाइए, आप इनके हृदय में समा जाइए। उद्धार का आनंद ने दे, उद्धार के आनंद ने दे, उद्धार के आनंद ने दे। सभी लोग ताली बजा के प्रभु की महिमा करें, उद्धार के आनंद ने दे, आराधना करें। आज आपका क्रिसमस हो, आपके लिए यीशु का जन्म आज हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु सबको शांति दे, सबको आशीष दे। बीमार है तूने चंगा कर, निराश है तूने आशा दे। मैं जानता हूं जब आप इनके भीतर रहेगा, सारी परमेश्वर की आशीषें भी इनके साथ रहेंगे। और वो आशीषें जो पुत्र और पुत्रियां होने के नाते आप देने के लिए कहा है, उनमें से एक भी आशीष से ये वंचित ना हो। प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, मिलकर बोले आमीन। जोरदार ताली बजाते प्रभु की महिमा करो।